नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मोदी कैबिनेट का विस्तार, प्रकाश जावड़ेकर का प्रमोशन, 19 नए चेहरे की हुई एंट्री, विजय गोयल और एमजे अकबर को राज्य मंत्री बनाया गया। आदिवासी आंदोलन के जरिए मोदी सरकार को घेरने का राहुल ने बनाया प्लान, 7 राज्यों में चलेगा अभियान, अगस्त के पहले हफ्ते से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में फंसे शिवराज सरकार के 118 विधायक, आप नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर की विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। पीएम मोदी की तर्ज पर जनता से बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, 17 जुलाई को सुबह 11 बजे लॉन्च होगा टॉक टू ए के कैंपेन। और 5 साल का सफर पूरा कर जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा स्पेस क्राफ्ट जूनो, मौसम चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी ट्रांसमिट करेगा पृथ्वी की ओर। सऊदी अरब के 2 शहरों में सोमवार शाम को एक साथ 2 धमाके हुए हैं। कातिफ और मदानी दोनों जगह मस्जिद के पास ये धमाके हुए हैं। 2 अलग अलग जगह हुए धमाकों में 4 लोगों की मौत हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि एक आत्मघाती हमलावर पाकिस्तान से है। पहला धमाका कातिफ में हुआ जबकि दूसरा धमाका मदीना में हुआ, जहां एक आत्मघाती हमलावर ने पैगंबर की मस्जिद के पास विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया। सूत्रों के मुताबिक गुलजार खान नाम का 30 वर्षीय शख्स पाकिस्तानी नागरिक था। हालांकि अब तक पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से उसकी नागरिकता की पुष्टि नहीं की गई है। इस हमले का असर सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों में भी पड़ेगा। जमीन अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर किसानों को साथ लेकर सरकार को बैकफुट पर लाने वाले राहुल गांधी अब आदिवासी आंदोलन की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने एक रोड मैप तैयार किया है जिसके तहत आदिवासी बहुल 7 राज्यों में फॉरेस्ट राइट कानून में बीजेपी के राज्य और केंद्र सरकार द्वारा बरती जा रही हिला हवाली को राहुल मुद्दा बनाने को तैयार है। आदिवासी बहुल राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र वो राज्य है जिनको राहुल ने चुना है। पीसीसी प्रेसिडेंट से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही इन राज्यों में काम करने वाले एनजीओ से भी राहुल रिपोर्ट ले रहे हैं, जिसके बाद आदिवासियों की जमीन पर कथित तौर पर हो रही ज्यादती का मुद्दा तैयार किया जाएगा। साथ ही राज्य के प्रमुखों से भी इस बाबत रिपोर्ट मांगी जा रही है। प्रियंका गांधी बहुत जल्दी राजनीति में एंट्री कर सकती है, कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका राजनीति में आने के लिए राजी हो गई हैं और इस बारे में अगले 48 घंटे में ऐलान कर दिया जाएगा। प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कांग्रेस के अंदर लगातार उठ रही है। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तो पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को प्रियंका को मैदान में उतारने की सलाह दे चुके हैं, जबकि यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से बाहर भी प्रचार करने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर उन्हें प्रियंका की तरफ से पॉजिटिव संकेत मिले थे। सूत्रों के मुताबिक गुलाम नबी आजाद ने प्रियंका गांधी को लेकर यूपी के लिए एक प्लान बनाया है। पीएम मोदी की कैबिनेट में शामिल होने के अनुप्रिया पाटिल के सपनों को गहरा धक्का पहुंच सकता है। यूपी चुनाव के बाबत बीजेपी में अपना दल के विलय की कोशिशें नाकाम हो गई है, क्योंकि अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने ऐसी किसी भी खबर को निराधार बताया है। यही नहीं, पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर अनुप्रिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो अपना दल एनडीए छोड़ने पर विचार कर सकता है। सोमवार को कृष्णा पटेल ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अनुप्रिया पटेल को जनवरी 2015 में ही पार्टी में निष्कासित किया जा चुका है, लिहाजा उनका पार्टी पर कोई हक नहीं बनता। सोनेलाल पटेल द्वारा स्थापित अपना दल में पारिवारिक कलह जारी है। मां कृष्णा पटेल और बेटी अनुप्रिया पटेल के बीच पार्टी पर वर्चस्व को लेकर जंग जारी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मुश्किलों में पड़ सकती है। आम आदमी पार्टी ने राज्य के 118 विधायकों पर आरोप लगाया है कि वे लाभ के पद पर पदस्थ है। शिकायत के अनुसार 116 विधायक राज्य भर के कॉलेजों के जन भागीदारी समिति के सदस्य है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने सोमवार को राज्यपाल राम नरेश यादव से मिलकर 118 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को विधायकों की सूची भी सौंपी। आपके नेताओं ने कहा कि अगर ये विधायक अयोग्य ठहराए जाते हैं तो शिवराज सरकार खतरे में आ जाएगी
और ऐसे में राज्यपाल को उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आम आदमी पार्टी के उस विधेयक को नामंजूर कर दिया था जिसमें 21 विधायकों को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान था। चुनाव आयोग 14 जुलाई को इस मसले पर सुनवाई करेगा। बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व सीएम मांझी का रुख नीतीश कुमार के लिए फिर से बदलने लगा है। हाल ही में लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी में दोनों नेता एक साथ बैठे नजर आए। दोनों जिस तरीके से मिले और आपस में बातचीत कर रहे थे, इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि मांझी जेडीयू में वापसी कर सकते हैं। मांझी ने यहां तक कहा कि वो नीतीश या लालू के साथ उनका कभी कोई मतभेद नहीं रहा। मांझी ने कहा कि नीतीश और लालू उनके भाइयों की तरह ही है। मांझी ने कहा, हम तीनों भाई की तरह है और अब तीन अलग अलग पार्टियों में है। जब तीनों भाई घर आते हैं तो वे साथ खाते हैं। निजी संबंध राजनीतिक संबंध से अलग है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब उन्हीं तर्ज पर जनता से सीधे जुड़ने के लिए टॉक टू ए के नाम से खास कैंपेन शुरू करने वाले हैं। 17 जुलाई को सुबह 11 बजे इस कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा जिसमें केजरीवाल लाइव वीडियो के जरिए लोगों से बात करेंगे। दरअसल पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की तरह केजरीवाल भी हर महीने जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल वेबसाइट के जरिए अपनी बात रखेंगे। इसके लिए खास तौर पर वेबसाइट बनाई जा रही है। जनता फोन नंबर, मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकेंगे। इसके लिए फोन नंबर और SMS नंबर भी जारी किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित करते हैं और हर बार किसी एक मुद्दे पर बात करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दाखिले के लिए दूसरा कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। कैंपस के पॉपुलर कॉलेजों में कट ऑफ में मामूली गिरावट आई है, जबकि ऑफ कैंपस कॉलेजों में करीब 5% तक कट ऑफ डाउन गया है। SRCC ने BCom ऑनर्स की कट ऑफ में सिर्फ 0.5% की कमी की है। यह पहली लिस्ट में BCom ऑनर्स के लिए 98% अंक मांगे गए थे, लेकिन दूसरी कट ऑफ में 97.5% अंक मांगे गए हैं। इसके अलावा अब BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दाखिले के लिए 97.75% अंक चाहिए, जबकि पहली कट ऑफ में 98.25% कट ऑफ रखी गई थी। किरोड़ीमल कॉलेज ने BA संस्कृत ऑनर्स और हिस्ट्री ऑनर्स की कट ऑफ नहीं निकाली है, यानी इन कोर्सेज की सीटें फुल हो गई हैं। केंद्र सरकार ने अभिनेता अमिताभ बच्चन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान का चेहरा बनने के लिए संपर्क किया है। इससे पहले खबरें थी कि अमिताभ को सरकार के अतुल्य भारत अभियान के लिए तय करने की सरकार की योजना पर पूर्ण विचार हो रहा है। पहले अभिनेता आमिर खान इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होते थे और देश में असहिष्णुता के मुद्दे पर अपने बयान के बाद इससे अलग हो गए थे। इसके बाद अमिताभ को अतुल्य भारत अभियान से जुड़ने की चर्चा हुई थी। हालांकि पनामा पेपर्स मामले में नाम सामने आने के बाद बच्चन के नाम की संभावना खारिज हो गई। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली सोमवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ इफ्तार पार्टी में दिखे। गांगुली ने यहां पर टोपी भी पहनी और प्रार्थना भी की। इफ्तार पार्टी का आयोजन मोमडन सपोर्टिंग क्लब ने किया था जिसमे 1200 मेहमान थे। CM ममता बनर्जी मुख्य अतिथि थी। सौरव गांगुली को क्लब के अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुल्तान अहमद द्वारा आमंत्रित किया गया था। गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं। ये दूसरा मौका है जब गांगुली किसी राजनीतिक आयोजन में पहुंचे थे। इससे पहले वो ममता बनर्जी के दूसरे शपथ ग्रहण में दिखाई दिए थे। यहां तक कि इस साल हुए राज्य के विधानसभा चुनावों में गांगुली ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया के लिए प्रचार भी किया था। राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ती मौजूदगी से गांगुली के सक्रिय राजनीति में आने के कयासों को बल मिल सकता है। चंदर कियारा में 5 से 8 जुलाई तक वायुसेना में भर्ती होगी। वायुसेना के विंग कमांडर अनिल ए मेदरगी ने बताया कि भर्ती रैली में 10 जिलों के प्रतिभागी भाग लेंगे। 5 से 6 जुलाई को बकोरा, जामताड़ा, पाकुड़, लातेहार और रामगढ़ तथा 7 से 8 जुलाई को देवगढ़, साहिबगंज, दुमका, गोड़ा एवं धनबाद के प्रतिभागी भर्ती रैली में भाग लेंगे। भर्ती के लिए बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। प्रतिभागियों के साथ आने वाले अभिभावकों को आयोजन स्थल के पहले ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंदन कियारी के पास रोक देने की व्यवस्था की गई है। आयोजन स्थल +2 उच्च विद्यालय चंदन कियारी से जाने वाली ट्रैफिक को डाइवर्ट कर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
डीसी राय महिमा पथ रे ने एसपी वाईएस रमेश और विंग कमांडर अनिल ए मेदरगी के साथ आयोजन स्थल का स्वयं निरीक्षण किया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।